वो अनंत पैटर्न जो कभी रिपीट नहीं होता। ये वीडियो एक ऐसे पैटर्न के बारे में है जिसे लोग असंभव मानते थे और एक ऐसे मटेरियल के बारे में है जिसके अस्तित्व को नकारा जाता था। इस कहानी की शुरुआत होती है 400 साल पहले प्राग में। मैं अभी प्राग और चेक गणराज्य में हूं, जो शायद मेरा अब तक का देखा हुआ सबसे पसंदीदा यूरोपीय शहर है। मैं केपलर म्यूजियम को देखने जा रहा हूं क्योंकि वो उन सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं जिनका घर और कार्य क्षेत्र प्राग के आसपास रहा है। मैं आपको जोहानस केपलर के बारे में 5 बातें बताऊंगा जो कि हमारी कहानी के लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, केपलर सबसे अधिक प्रसिद्ध ये पता लगाने के लिए है कि ग्रहों की कक्षाओं के आकार एलिप्टिकल यानी अंडाकार है। लेकिन ये खोज पाने से पहले उन्होंने सौर मंडल के एक मॉडल का आविष्कार किया जिसमें ग्रहों को नेस्टेड गोलों के ऊपर रखकर उन्हें प्लूटोनिक सॉलिड्स द्वारा अलग किया गया था। अब प्लूटोनिक सॉलिड क्या होते हैं? तो वे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके सभी चेहरे एक समान होते हैं और सभी कोने भी एक समान ही होते हैं। इसका मतलब है आप उन्हें किसी भी एंगल से घुमा लीजिए लेकिन वे वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले थे। इसके सबसे अच्छे उदाहरण की बात करें तो वो होगा क्यूब, फिर आप ले लीजिए टेट्राहेड्रन, फिर ऑक्टाहेड्रन भी है, फिर डोडेकीहेड्रन जिसमें 12 पंचकोण भुजाएं हैं, और आइकोसीहेड्रन जिसमें 20 भुजाएं हैं। बस हो गया, कुल मिलाकर सिर्फ 5 प्लूटोनिक सॉलिड्स हैं। इससे केपलर का काम आसान हो गया क्योंकि उस जमाने तक केवल 6 ग्रह ही खोजे गए थे। इस कारण वो ग्रहों के हर गोले के बीच अलग अलग प्लूटोनिक सॉलिड लगा पाने में सफल रहा। असल में उसने उन्हें दूरी बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। उसने सावधानी पूर्वक प्लूटोनिक सॉलिड्स के क्रम का चयन किया ताकि ग्रहों के बीच की दूरियां खगोलीय जांच से एकदम करीबी मेल खाएं। उसको इस बात में गहरी आस्था थी कि ब्रह्मांड में कुछ ज्यामितीय नियमितताएं हैं, और खैर ऐसा है भी पर सारा का सारा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, ज्योमेट्री के लिए केपलर का आकर्षण अधिक व्यवहारिक प्रश्नों की ओर बढ़ा, जैसे कि आप तोप के गोलों को कैसे जमाएं ताकि वे 1611 में एक जहाज के डेक पर कम से कम जगह ले सकें। केपलर के पास जवाब था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस केंद्रित क्यूबिक अरेंजमेंट। दोनों ही तोप के गोलों के लिए कुशल व्यवस्था है क्योंकि ये लगभग 74% वॉल्यूम को भर देते हैं। अब ये गोलों को जमाने का सबसे सही तरीका लग सकता है क्योंकि इसी तरीके से संतरों को सुपरमार्केट में जमाया जाता है। लेकिन केपलर ने इसे साबित नहीं किया, उसने इसे केवल एक तथ्य के रूप में बयान किया है। यही वजह है कि इसे केपलर के अनुमान के रूप में जाना जाता है। अब ये पता चला है कि वो सही था, लेकिन इसे साबित करने में लगभग 400 साल लग गए और इसका औपचारिक प्रमाण तो 2017 में गणित के जर्नल फॉर्म में प्रकाशित किया गया था। नंबर 3, केपलर ने 6 कोनों वाले स्नोफ्लेक्सिस यानी बर्फ के टुकड़ों पर डेनेवा सेक्सेंगुला नामक एक पैम्फलेट में अपना अनुमान प्रकाशित किया जो कुछ इस तरह था कि इस बात के पीछे निश्चित रूप से कोई कारण होना चाहिए कि जब भी बर्फ गिरने लगती है तो उसके शुरुआती टुकड़ों का आकार हमेशा एक 6 कोनों वाले सितारे के जैसा ही क्यों होता है। अगर ये केवल एक संयोग है तो उन टुकड़ों के 5 या 7 कोने क्यों नहीं होते, हमेशा 6 कोने ही क्यों होते हैं। केपलर के जमाने में ना तो परमाणुओं या अणुओं पर कोई थ्योरी थी, ना ही उनके क्रिस्टल आकार में स्वयं व्यवस्थित होने पर। लेकिन केपलर बस ये समझने की कगार पर था, मेरा मतलब है कि उसने पानी जैसे तरल की सबसे छोटी प्राकृतिक इकाई यानी कि पानी के एक मॉलिक्यूल के बारे में भी अनुमान लगा लिया था, और ये कि कैसे ये छोटे यूनिट मैकेनिकल तरीके से जमावट करके हेक्सागोनल क्रिस्टल बन जाते हैं। ये टाइट हेक्सागोनल आकार में जमे हुए तोप के गोलों से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। नंबर 4, केपलर को पता था कि रेगुलर हेक्सागोनल एक फ्लैट सतह को बिना किसी गैप के पूरी तरह से कवर कर सकते हैं। गणित की भाषा में कहें तो हेक्सागन आकार किसी सतह को पीरियोडिक तरीके से टाइल करता है। पीरियोडिक टाइलिंग क्या होता है? आप इसके एक हिस्से को लगातार डुप्लीकेट करते जाइए। यदि हिस्से को बिना घुमाए या प्रतिबिंबित किए वो पैटर्न जारी रहता है तो वो पीरियोडिक है। पीरियोडिक टाइलिंग में रोटेशनल सिमेट्री भी हो सकती है। एक रोम्बस पैटर्न में 2 लेवल पर सिमेट्री होती है क्योंकि यदि आप इसे 180 डिग्री यानी कि आधा घुमाते हैं तो पैटर्न बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे पहले था। इक्विलैटरल त्रिकोण में 3 लेवल पर सिमेट्री होती है, स्क्वायर में 4 लेवल पर सिमेट्री होती है, और हेक्सागोन्स में 6 लेवल पर सिमेट्री होती है। लेकिन बस इतने ही प्रकार की सिमेट्री हो सकती है, 2, 3, 4 और 6, 5 लेवल की सिमेट्री नहीं हो सकती है। नियमित पेंटागन किसी सतह को टाइल नहीं कर सकते हैं, लेकिन केपलर ने भी इसकी कोशिश कर डाली। जरा इस पैटर्न पर नजर डालिए। उन्होंने इसे अपनी पुस्तक हार्मोनिक्स मुंडी यानी कि हार्मनी ऑफ द वर्ल्ड में प्रकाशित किया था। इसमें एक प्रकार से 5 लेवल की सिमेट्री है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, और ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि आप संपूर्ण सतह को टाइल करने के लिए इस पैटर्न को कैसे जारी रखेंगे।
ऐसे आकारों की संख्या अनंत है जो किसी सतह की पीरियोडिक टाइलिंग कर सकते हैं। एक नियमित हेक्सागन किसी सतह की पीरियोडिक टाइलिंग कर सकता है। ऐसे आकार भी अनंत हैं जो किसी सतह की पीरियोडिक और गैर पीरियोडिक दोनों ही प्रकार की टाइलिंग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आइसोसेलेस त्रिकोण किसी सतह की पीरियोडिक टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप त्रिकोण के एक जोड़े को घुमा देंगे तो वो पैटर्न पूरी तरह से पीरियोडिक नहीं रहेगा। स्फिंक्स टाइल एक दूसरे के साथ जोड़ सकती हैं। इसे 180 डिग्री पर घुमाकर आप किसी सतह की पीरियोडिक टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं टाइल्स का अरेंजमेंट थोड़ा सा बदल देंगे तो टाइलिंग गैर पीरियोडिक हो जाएगी। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या कुछ टाइल्स ऐसे भी हैं जो केवल एक सतह की गैर पीरियोडिक टाइलिंग ही करें। तो 1961 में हाओ वांग मल्टी कलर की चौकोर टाइल्स का अध्ययन कर रहे थे। इसके नियम कुछ यूं थे कि टच होने वाले दो किनारे एक ही रंग के होने चाहिए। आप टाइल्स को ना घुमा सकते हैं ना ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, केवल स्लाइड कर सकते हैं। अब सवाल ये था कि अगर आपको इन टाइल्स का एक सेट दे दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि वो सतह को ढक पाएंगे। वांग का अनुमान था कि अगर वे सतह को टाइल कर पाती हैं तो वो पीरियोडिक होगा, लेकिन वांग का अनुमान पूरी तरह से गलत था। उनके छात्र रॉबर्ट बर्जर ने 20,426 टाइल्स का एक ऐसा सेट खोजा जो सतह को टाइल तो कर सकता था लेकिन केवल गैर पीरियोडिक तरीके से। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचिए। यहां हमारे पास सीमित संख्या में टाइल्स का एक सेट है। माना कि एक बड़ी संख्या है लेकिन ये सीमित है और ये किसी एक पैटर्न को दोहराए बिना अनंत दूरी तक टाइल कर सकती है। इससे पीरियोडिक टाइलिंग करवाने का कोई तरीका ही नहीं है। और इस तरह की टाइल्स का एक सेट जो सतह की केवल गैर पीरियोडिक टाइलिंग कर सकता है उसे ए पीरियोडिक टाइलिंग कहा जाता है। और गणितज्ञ जानना चाहते थे कि क्या ए पीरियोडिक टाइलिंग में कम टाइल्स की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट बर्गर ने केवल 104 का एक सेट खोज निकाला। डोनाल्ड नूथ उस संख्या को 92 पर ले आए और फिर 1969 में राफेल रॉबिन्सन सामने आए और 6 टाइलों के साथ, जी हाँ 6 टाइल्स के साथ, जिससे बिना दोहराए पूरी सतह को टाइल किया जा सके। फिर आए रेजर पेनरोज जो आखिरकार इस संख्या को 2 पर लेकर आ गए। पेनरोज ने एक पेंटागन से शुरुआत की। उन्होंने इसके चारों ओर अन्य पेंटागन जोड़े और जाहिर है उन्होंने गैप्स पर ध्यान दिया, लेकिन ये नया शेप एक बड़े पेंटागन के भीतर फिट हो सकता था। इससे पेनरोज को यह आइडिया आया कि अगर वो ओरिजिनल पेंटागन को छोटे छोटे पेंटागन में तोड़ देगा तो क्या होगा। उसने जब ये करके देखा तो कुछ गैप्स धीरे धीरे रोम्बस का आकार लेने लगी, जबकि दूसरी गैप्स में 3 स्पाइक्स होते हैं। लेकिन पेनरोज यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने पेंटागन को फिर से विभाजित कर दिया। अब कुछ गैप्स इतनी बड़ी हो चुकी थी कि आप उनके हिस्से को पेंटागन से भर सकते थे और जो बचे हुए होल्स हैं वो हैं रोम्बस, स्टार्स और एक स्टार का हिस्सा, जिसे पेनरोज जस्टिस गैप कहते थे। आप अनिश्चित काल तक इसे उप विभाजित कर सकते हैं और आपको बस यही शेप्स दिखेंगे। तो बस इन टुकड़ों के साथ आप सतह को लगभग 5 गुना सिमेट्री के साथ ए पीरियोडिक रूप से टाइल कर सकते हैं। जोहानस केपलर के बारे में पांचवी बात यह है कि यदि आप उसका पेंटागन पैटर्न लेकर उसे पेनरोज के पैटर्न के ऊपर रखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों एकदम मेल खाते हैं। पेनरोज ने जब अपना पैटर्न खोज लिया तो उसने टाइल्स को सरल बनाने के तरीके ढूंढे। वो सारी ज्यामिति को कम करते करते सिर्फ 2 टाइलों तक ले आया, एक मोटा रोम्स समतल और एक पतला रोम्स। इनको जोड़ने के नियम कुछ इस तरह से थे कि इनको बम्प से, नॉचेस से या फिर कलर मैच के साथ में रखना था और ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि ये 2 एकल टाइलें सतह को केवल गैर पीरियोडिक तरीके से टाइल कर सकती हैं। सिर्फ 2 टाइलें बिना रिपीट हुए अनंत दूरी तक ये कर सकती हैं। अब इसको देखने का एक तरीका यह है कि एक ही पेनरोज पैटर्न की 2 प्रतियों को प्रिंट किया जाए जिसमें एक पारदर्शी शीट पर हो। अब इसकी डिजाइन को मिलाते हुए एक दूसरे के ऊपर रख दीजिए। इससे जो इंटरफेस बनता है उसे मोइर पैटर्न कहा जाता है। जहां डार्क हिस्सा है वहां पैटर्न अलाइन नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ हल्के स्पॉट्स भी हैं और यही वजह है कि जहां पैटर्न मेल खाते हैं, और जैसे जैसे मैं इसको घुमाता हूं आप देख सकते हैं कि हल्के स्पॉट्स छोटे हो रहे हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं और एक निश्चित पॉइंट के बाद वे बाहर जाने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं। और जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि इन उजले स्पॉट्स में से एक बड़ा हो जाए और मैचिंग सेक्शन कितना बड़ा है ये हमें समझ आ जाए। अरे हाँ 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 या बिल्कुल, ये अचानक सब कुछ जगमगा उठा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो ये पैटर्न पूरी तरह से मैच कर रहा है, देखिए यहाँ 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 और यहाँ, लेकिन इन रेडियल लाइंस के ऊपर नहीं, और यही कारण है कि वे डार्क दिखाई देते हैं।
तो हमने देखा कि आप कभी भी किसी सेक्शन को उसके नीचे वाले किसी सेक्शन से पूरी तरह नहीं मिला सकते, कुछ ना कुछ अंतर तो रहेगा ही। तो मेरा पसंदीदा पेनरोज पैटर्न असल में इन दो आकृतियों से मिलकर बना है, जिन्हें कहा जाता है काइट्स और डार्ट, और इनमें ये बहुत ही विशेष प्रकार के कोण हैं, और जिस तरह से ये मैच करते हैं वो निर्भर करता है इन दो वक्रों पर। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक टुकड़े पर एक वक्र है, और इसलिए आपको इन्हें जोड़ना होगा ताकि ये वक्र निरंतर बने रहें, और यही वो नियम है जिससे आप इन दो टुकड़ों से एक गैर पीरियडिक टाइलिंग बना सकते हैं। तो मैंने लेजर से ऐसे हजारों टुकड़े काट निकाले और मैं अब इन्हें जोड़कर एक विशाल पेनरोज बनाने की कोशिश करूंगा। ओह मैन, कम ऑन। यदि आप काइट्स और डार्ट्स के पैटर्न को देखेंगे तो आप सितारों और सूरज जैसी सभी प्रकार की नियमितताओं को नोटिस करना शुरू कर देंगे, लेकिन करीब से देखने पर आप पाएंगे कि आपने जैसा सोचा था वैसे रिपीट नहीं हो रहे हैं। ये दो टाइलें मिलकर ऐसा पैटर्न बनाती हैं जो लगातार बदलता रहता है और अनंत दूरी तक बिना रिपीट किए हुए चलता रहता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पतंग और डार्ट्स का केवल एक ही पैटर्न है और वो तस्वीर जो हम देखते हैं वो उस एक ही पैटर्न का हिस्सा है? तो इसका जवाब है नहीं। असल में काइट्स और डार्ट्स के विभिन्न पैटर्न्स की एक अनंत संख्या है जो पूरी सतह को टाइल करती है, और ये और भी ज्यादा अजीब हो जाता है यदि आप उनमें से किसी टाइलिंग पर खड़े हो जाएं। आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये कौन सा है। मेरा मतलब है कि आप और अधिक खोजने की कोशिश कर सकते हैं और अधिक से अधिक डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन ये बेकार है क्योंकि इनमें से किसी एक टाइलिंग का कोई फाइनाइट हिस्सा उन टाइलिंग के अन्य सभी वर्जन्स में कई बार असीम रूप से प्रकट होता रहता है। मेरी बात को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। वो टाइलिंग्स भी अनंत तरीकों से अलग है, लेकिन ये बताना बहुत मुश्किल है जब तक आप पूरे पैटर्न को देख नहीं लेते, और ये असंभव है। पेनरोज टाइलिंग्स में इस तरह के विरोधाभास हैं जिसमें अलग अलग वर्जन्स बेशुमार हैं और अनंत हैं, लेकिन केवल देखकर आप उनमें अंतर कभी भी नहीं बता सकते। अब अगर हम इस पैटर्न में सभी काइट्स और डार्ट्स की गिनती करें तो मुझे 440 काइट्स और 272 डार्ट्स मिलते हैं। क्या ये अनुपात किसी और इशारा करता है? यदि आप एक को दूसरे से विभाजित करते हैं तो आपको 1.618 मिलता है, और ये गोल्डन रेशियो है। इस पैटर्न में गोल्डन रेशियो क्यों दिखाई देता है? जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक प्रकार की 5 गुना सिमेट्री है, और सभी रैशनल स्थिरांकों में गोल्डन रेशियो फी में सबसे ज्यादा 5 आता है। मेरा मतलब है कि आप गोल्डन रेशियो को व्यक्त कर सकते हैं 0.5 प्लस 5 के 0.5 गुना 0.5 के पावर में। गोल्डन रेशियो पेंटागोन्स के साथ भी गहराई से जुड़ा हुआ है। मेरा मतलब है कि एक डायगोनल और एक किनारे का रेशियो गोल्डन रेशियो होता है, और पतंग और डार्ट के टुकड़े भी वास्तव में पेंटागोन्स के ही हिस्से हैं। रोम्बसिस का भी कुछ ऐसा ही है, मतलब कि उनकी संरचना में ही गोल्डन रेशियो समाया हुआ है। डार्ट्स में पतंगों का अनुपात गोल्डन रेशियो की तरफ बढ़ता है, जो कि एक अपरिमेय या इरेशनल नंबर है। ये साबित करता है कि ये पैटर्न पीरियोडिक नहीं हो सकता। यदि पैटर्न पीरियोडिक होता तो डार्ट्स का पतंगों से अनुपात दो होल नंबर्स के रेशियो के तौर पर व्यक्त किया जा सकता था। ये प्रत्येक पीरियोडिक खंड में डार्ट्स की तुलना काइट्स की संख्या का रेशियो होता है, और ये बात भी गहरी है। आप जरा टाइल्स पर लाइन खींचिए, कर्व्स पर नहीं बल्कि इन सीधी लाइनों पर। अब जब आप पैटर्न बनाएंगे तो एक मजेदार चीज दिखेगी, ये सब जोड़कर एकदम परफेक्ट सीधी रेखाएं बनाते हैं। समानांतर रेखाओं के 5 सेट हैं। ये एक प्रकार से पैटर्न की 5 गुना सिमेट्री का प्रमाण है, लेकिन ये पूरी तरह से नियमित नहीं है। इन समानांतर रेखाओं के किसी भी एक सेट पर आप नजर डाल सकते हैं। आप देखेंगे यहां 2 अलग अलग स्पेसिंग है, इन्हें हम लंबा और छोटा कहेंगे, और जब हम इसे नीचे से देखें तो लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग। और ये क्या, पैटर्न टूट गया? ये गैप्स भी पीरियोडिक पैटर्न का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन किसी भी खंड में लॉन्ग और शॉर्ट्स की संख्या को गिने, यहां मुझे 13 शॉर्ट्स मिले हैं और 21 लॉन्ग्स मिले हैं, और इससे बन जाता है फिबोनाची सीक्वेंस 1 1 2 3 5 8 13 21 34, और ये चलता रहेगा।
और एक फिबोनाची नंबर का पिछले के साथ अनुपात गोल्डन रेशो की ओर जा रहा है। अब अन्य वैज्ञानिकों ने पेनरोज के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या इन पैटर्न्स का भौतिक रूप से कोई एनालॉग हो सकता है, क्या वे प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं शायद क्रिस्टल संरचना में। पेनरोज को लगा कि यह संभव नहीं है। एक क्रिस्टल की प्रकृति ये है कि ये दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना है। जिस तरह से सतह को टाइल करने से पहले आकार की मूलभूत समरूपता को गढ़ लिया गया है, उसी तरह क्रिस्टल को बनाने वाले मूल यूनिट सेल्स भी अच्छी तरह स्थापित थे। इस तरह के कुल 14 पैटर्न्स हैं और आज तक किसी ने ऐसा क्रिस्टल नहीं देखा था जो इनमें से किसी एक पैटर्न में फिट ना हो पाया हो। एक समस्या और सामने आई, क्रिस्टल परमाणुओं और अणुओं को स्थानीय रूप से एक साथ रखकर बनाए जाते हैं, जबकि अगर पेनरोज टाइलिंग्स की बात करें तो उनमें लंबी दूरी के समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए इस पैटर्न को देखिए, आप यहाँ पर एक डार्ट रख सकते हैं और अनंत दूरी तक टाइल लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। या फिर आप यहाँ दूसरी तरफ एक काइट लगा सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि आप काइट और डार्ट को एक साथ यहाँ रख देते हैं तब ये पैटर्न ठीक से नहीं बनेगा। मेरा मतलब है कि आप थोड़ी बहुत टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तब ये ठीक से नहीं बनेगा। आप वहाँ एक डार्ट रख सकते हैं जो पैटर्न को अच्छी तरह से कंप्लीट कर देगा, लेकिन फिर आपको यहाँ एक अजीब सा शेप दिखाई देगा जो वास्तव में एक अन्य डार्ट का शेप है। लेकिन अगर आप उस वाले को वहाँ रखते हैं तो लाइनें मिलती नहीं हैं और पैटर्न काम नहीं करता है, तो ये क्रिस्टल के रूप में कैसे काम कर सकता है? मेरा मतलब है कि ये दोनों टाइलें स्थानीय नियमों का पालन करती हैं, लेकिन लंबी बनावट में ये सफल नहीं हो पाती हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में पॉल स्टाइनहार्ट और उनके छात्र कंप्यूटर का उपयोग एक ऐसा मॉडल बनाने के लिए कर रहे थे जिससे पता चल सके कि परमाणु आपस में मिलकर कंडेंस्ड मैटर किस तरह बनाते हैं। ये छोटे पैमाने पर एक ठोस पदार्थ होता है। उन्होंने पाया कि स्थानीय तौर पर वे आइकोसहेड्रन्स बनाना पसंद करते हैं, लेकिन ये सबसे निषिद्ध आकार के रूप में जाना जाता था क्योंकि ये 5 गुना सिमेट्री से भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि ये जाइकोसहेड्रन्स कितना बड़ा हो सकता है। उन्होंने सोचा कि शायद ये 10 या 100 परमाणु जितना है, लेकिन पेनरोज की टाइलिंग से प्रेरित होकर उन्होंने एक नई तरह की संरचना तैयार की जो पेनरोज टाइलिंग्स का एक 3D एनालॉग था, जिसे आप क्वासी क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने ऐसे स्ट्रक्चर से एक्सरे के डिफ्रेक्ट होने की प्रक्रिया को सिमुलेट किया तो उन्हें 10 पॉइंट्स वाली रिंग्स का एक ऐसा पैटर्न मिला जो 5 गुना सिमेट्री दिखा रहा था। इनके काम से पूरी तरह से अनजान वहां से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक और वैज्ञानिक डैन स्केचमैन ने एल्यूमिनियम और मैग्नीज द्वारा एक पपड़ीदार मटेरियल का निर्माण किया, और जब उसने अपने मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स को बिखेरा तो ये तस्वीर उभरी, और ये स्टाइनहार्ट की रचना से लगभग पूरी तरह से मेल खाती है। तो यदि पेनरोज की टाइलिंग के लिए लंबे रेंज के कोऑर्डिनेशन की जरूरत है तो हम क्वासी क्रिस्टल कैसे बना सकते हैं? वेल, मैं इसके बारे में पॉल स्टाइनहार्ट से चर्चा कर रहा था और उन्होंने बताया कि यदि आप किनारों को मैच करने वाले नियमों का उपयोग करते हैं तो वो इसके लिए पर्याप्त नहीं है, और अगर आप उन्हें लोकल लेवल पर लागू करते हैं तो आपके सामने इस तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, टाइल्स की जमावट गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि आपके पास वर्टिकल्स को आपस में जोड़ने के नियम है तो वे नियम स्थानीय लेवल पर काफी कारगर सिद्ध होते हैं, इससे आपसे गलतियां नहीं होंगी और आप पैटर्न को अनंत दूरी तक ले जा सकते हैं। क्वासी क्रिस्टल पर लिखे हुए एक महत्वपूर्ण पेपर का नाम है डेनेवा क्विंक्विंगला। ये पेंटागोनल शो फ्लैक्स के ऊपर है जो केपलर की याद दिलाता है। अब हर कोई क्वासी क्रिस्टल की खोज पर खुश नहीं था क्योंकि ये एक ऐसा मटेरियल था जिसके बारे में लोग अभी तक यही सोचते हैं कि ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। नोबेल विनर लाइनस पॉइनिंग ने इस पर टिप्पणी की थी कि क्वासी क्रिस्टल होता ही नहीं, सिर्फ क्वासी वैज्ञानिक होते हैं। लेकिन शेकमैन आखिर में सही साबित हुए। उन्हें 2011 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और तब से क्वासी क्रिस्टल्स को सुंदर डोडेकाहेड्रल आकार में तैयार किया जाता है। वर्तमान में इन्हें नॉन स्टिक इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, कुकवेयर और अल्ट्रा ड्यूरेबल स्टील जैसी चीजों में उपयोग के लिए परखा जा रहा है। और इस पूरी कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि ऐसी भी चीजें अस्तित्व में हैं जिसे हम असंभव समझते आ रहे थे। मेरा मतलब है कि पेनरोज की खोज से पहले नियमित ज्योमेट्रिक शेप्स की सिमेट्री इतनी साफ और निश्चित तौर पर लोगों के दिमाग में बैठी हुई थी कि उनके आगे देखने की कोई सोचता ही नहीं था। और फिर हमें ऐसे पैटर्न मिले जो सुंदर भी थे और हमारी सोच के विपरीत भी, और ऐसे मटेरियल मिले जो हमेशा से ही अस्तित्व में थे लेकिन हम उनके गुणों को कभी भी समझ ही नहीं पाए थे।